किसानी डॉक्टर है और रसोई अपना हॉस्पिटल है और घरवाली वो भी डॉक्टर है। सबको प्रणाम। मैं एक 35 साल सिंचाई विभाग में इंजीनियर का काम करके मैं रिटायर हुआ। साहब ने बड़े बड़े वो मैं जो बनाए सो चीज़ों के बारे में बोला था। मैं टोटल साउथ ईस्ट एशिया में, पूरा एशिया खंड है ना, उसमें इस तरफ के भाग में बड़ा एक लिफ्ट स्कीम बनाने में मैं 20 साल उसमें काम किया। 20 साल सर्वे से लेकर वो पूरा करके वो कमीशन तक मैं था वहाँ पे। वो हैदराबाद की पानी ड्रिंक पीने का पानी और एक नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 3 लाख एकड़ का ज़मीन को सिंचाई व्यवस्था कर दिया और 1 लाख करोड़ खर्च करके कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने में भी मेरा पूरा क्या हाथ है। पूरा शरीर है, हाथ भी है। 1 लाख करोड़ वो खर्च करके कालेश्वरम प्रोजेक्ट, वो गोदावरी के ऊपर है, 3 साल में हम 1 लाख खर्च कर दिया। 1 लाख करोड़ 3 साल में खर्च करके बहुत लोग आके हमारे को शाबाशी दे रहे हैं और बढ़िया काम करे। इतना बड़ा वो अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन है, ज़मीन के नीचे है जमीन पंपिंग स्टेशन। एक एक पंप 2 लाख HP है, 2 लाख HP वैसा हम 6 पंप एक एक स्टेज में लगे, 10 लिफ्ट स्टेज है, 10 लिफ्ट करके हम पानी लेके आ रहे बाहर ऊपर, 100 मीटर से 600 मीटर तक हम पानी लेके आ रहे हैदराबाद तक। वो बढ़िया काम है ना। ये पूरा होने के बाद और ऐसी और 3-4 करें हम बाद में। 218 में साहब से मुलाकात हुआ, मेरा ज़िंदगी पूरा बदल गया। अभी तक मैं क्या करता था, रिवरों को मैं लूटता था, नदियों को मैं लूटने वाला था, लुटेरा था मैं। पानी को लिफ्ट करके कहीं यहाँ से 500 किलोमीटर तक लेके जाता था मैं, इतना पैसे खर्च करके। फिर क्या हो रहा, वे लोग कौन सा फसल वहाँ पे उगा रहे वो लोग, फिर पैड़ी को क्या बोलना है, धान, राइस को धान ही बोलते, हाँ धान। वो हमारा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में नहीं है, मगर वो लोग पानी देते ही धान को चले जा रहे हैं। धान के लिए बहुत पानी की ज़रूरत है, मगर हमारे डिज़ाइन उसके लिए नहीं करें। एक यहाँ से एक नाला केनाल, एक 100 किलोमीटर का केनाल है, उसके नीचे एक 5 लाख का एकड़ का अपन पानी देना है। अगर धाना अब वो डालने से वो 100 किलोमीटर तक नहीं जाता पानी, 40 किलोमीटर तक ही चले जाता। क्यों, तो ये धान डालने से क्या है, ज़्यादा पानी इधर ही खर्च हो रहा है, वो बाकी के पूरे 60 किलोमीटर वाले कहाँ है, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हुआ हमारे को तो पानी नहीं आ रहा, ये शुरू हो गया। फिर हम क्या कहें, जैसा ऐसा 1 लाख पैसे खर्च करके कंप्लीटली अटर फेल्यूर हो गए। वही पैसों से अगर 10 हज़ार करोड़ अगर खर्च करें तो पूरा तेलंगाना को हम हरियाली बना सकते थे। कैसा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को जो बारिश के जो पानी है ना, हर खेत में, खेत के पानी खेत में रहना चाहिए, गांव का पानी गांव में रहना चाहिए, और एक दो करने से क्या होता है, नदी के पानी नदी में रहता है, नदी अविरल बहते रहता है। हम क्या करें, ये 2 छोड़ के नदी का पानी लाना शुरू कर दिए। खेती का पानी खेती में नहीं रोक पाए,
और अपना गांव का पानी गांव में नहीं रोक पाए, ये पूरा पानी जाके नदी में है, नदी से पानी उठाना शुरू कर दिए इतना लाख करोड़ खर्च करके। अगर अगर खेती में ही अपन रोक दिया होता बहुत सस्ते में, एकड़ को 5,000-6,000 में काम हो जाता था, 5,000-6,000 में काम हो जाता था। मगर अब कितना है, एक प्रोजेक्ट बनाने से क्या है, एक एकड़ के ऊपर 5,00,000 खर्च आ रहा है, 5,00,000 खर्च आ रहा है। 1,00,000 करोड़ है ना, वो 18,00,000 एकड़ को वो पानी देने का है, कितना हुआ, 6,00,000 मगर खर्च तो हुआ मगर पानी तो नहीं आया ना। उसके वास्ते और झगड़े हैं स्टेटों के बीच में, वो हमारा तेलंगाना आने को हम जो लड़ाई था उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है पानी, ये आंध्र वाले ज़्यादा पानी लेके जा रहे हमारे तेलंगाना को नहीं दे रहे, यही झगड़ा था पानी के झगड़ा। फिर बात कर्नाटका तमिलनाडु कावेरी के ऊपर, तमिलनाडु कर्नाटक वाले कावेरी के ऊपर, फिर हमारे को महाराष्ट्र को भी है, हमारे कर्नाटक को भी है, वैसा ही आपको और उड़ीसा को भी है। परसों ही हम जाके आए थे मैं भुवनेश्वर महानदी के बारे में, आप लोग पानी ही नहीं छोड़ रहे महानदी में, उड़ीसा में पूरा सैंड बत बाली बाली है वहाँ पे, नो वाटर। और अपने छत्तीसगढ़ दोस्तों को पूछने से वो लोग क्या बोलते, वो लोग इंद्रावती पानी नहीं छोड़ रहे हमारे को। मतलब ये पानी का झगड़ा है। मैं बोला वहाँ पे जो हमारे बुलाए थे, देखो हमारा स्टेट में पानी नहीं आ रहा है, ये छत्तीसगढ़ वाले इधर बनाए उधर बनाए, वहाँ पे एक बॉर्डर पे, बॉर्डर को 10 किलोमीटर वहाँ पे एक बराज बनाए, वो डायरेक्टली इट इज़ वो पानी किधर जा रहा है, एक थर्मल स्टेशन को जा रहा है, थर्मल स्टेशन अग्र क्या नाम है उसका, अग्मा है लास्ट बैराज इन इन अन महानदी के ऊपर, ये अपना उड़ीसा के बाढ़ डबरा नहीं ये से आता है वो, वो ये है। हम जब पूछे थे, देखो भैया उन्हें तो पानी चलो नहीं आने दे रहा है, आपके पास ये बारिश का कितना है साल में, 1500 मिलीमीटर है, कितना 1500 मिलीमीटर है, और आपको वहाँ से क्यों आप इंतज़ार करते हैं भैया, आपके हर गांव गांव में 1500 मिलीमीटर का वर्षपात है तो इसको रोक लीजिए ना, ये नहीं रोकते, ऊपर से ही आना है क्या पानी, और करने के लिए बहुत इतने लोग हैं, 100 लोग आके बैठे हुए हैं, चुन लीजिए एक एक मंडल को एक एक पांच पांच लोग, और अपने बस कृषिकारों से अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाइए। मैं यही बोला, अगर आप मिलेट्स को गए तो इफ़ यू अडॉप्ट मिलेट्स, मिलेट्स अगर उगा रहे तो इतना पानी का ज़रूरत ही नहीं है। मिलेट्स एक ही सॉल्यूशन है हर चीज़ के लिए, सेहत के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए, और अपने इंटरस्टेट प्रॉब्लम्स के लिए, और एनवायरमेंटल के लिए, पर्यावरण के लिए, हर एक के लिए एक ही है दवा, क्या है वो, ये सिरिधान्य। अगर सिरिधान्य के अगर वो फार्मर्स को आप अच्छे तरीके से समझाए तो बस वही पानी से बस हो जाता है वो लोग को, वहाँ से यहाँ से कोई बाहर का पानी का ज़रूरत ही नहीं है, अपना गांव में अपने खेत में जो बारिश गिरता रहता है वही ज़्यादा है। क्यों बोले तो हम हिवरे बाज़ार जाके आए, आप भी गए होंगे शायद, आप गए हिवरे बाज़ार, सुने ना, नहीं सुने, अहमदनगर के बाद अहमदनगर है ना महाराष्ट्र में, शिरडी के जाते स्वागत मिलता है, वहाँ से 15 किलोमीटर पे एक गांव है हिवरे बाज़ार, ओके 2 मिनट, ओके वहाँ पे हम गए थे 3 साल पहले, वहाँ का बारिश का कितना है मालूम, 380 mm, 380 mm, हम मई में गए तो पूरे कुआं ब्रिम फुल है, अरे ऐसा कैसा, किधर भी देखो हरियाली है। वो एक वहाँ पे एक पवार बोल के एक आदमी पूरे 89 से वहाँ पे गांव में ठहर के उन्हें इतना चेंज कर रहा है।
वो गांव ऐसा था डेजर्ट का जैसा, अब जाके देखे तो ऐसा लगता है पूरा कहीं अपने वो डेजर्ट में क्या बोलते ओएसिस के जैसा है। उन्हें खाली 2 करोड़ में करवाया वो काम, 2 करोड़ में काम करवाया। वहाँ पे 120 कंट्री से लोग आके देख के गए। और आपका सबका NIRD, सबका NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद में है ना, उन लोगों को IAS वालों को दूसरे वालों को ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे 120 रूम का बड़ा एक बिल्डिंग बनाया वो छोटा गांव में। वैसा है, मैं ये सजाव दिया उन लोगों को, ये उड़ीसा वालों को, एक बार गांव जाके देख के आइए, ये प्रोजेक्टों का ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये 25 साल मेरा जिंदगी वेस्ट हुआ बोल के मैं समझ रहा हूँ, वो प्रायश्चित करने के लिए साहब के साथ मैं फिर रहा हूँ। मैं अब खाली खाली एक ही है, मिलेट्स ही है सबके, ये हर एक समस्या का समाधान। उसके वास्ते जो मिलेट्स जो उगाते हैं ही इज़ द राइट पर्सन। किसानी डॉक्टर है अपने लिए, किसानी डॉक्टर है और रसोई अपना हॉस्पिटल है और घरवाली वो भी डॉक्टर है। वैसा माहौल आए तो अपने को ये ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल्स वगैरह। हॉस्पिटल्स बढ़ रहा बोलो तो वहाँ पे मरीजों का संख्या बढ़ रहा है जैसा है। जब हॉस्पिटल ही बंद करना है कि नौबत आया तो वहाँ पे अपना स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। ओके थैंक यू भैया, हम कोशिश करें, हम हिंदी में इतना दूर कभी नहीं बात किए इतना देर। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू।